तो मैं प्यारे दोस्तों, आप सब लोग कैसे हो? आप लोग देख रहे हैं तकनीकी मनुष्य। आज के वीडियो में हम कुछ ज्यादा ही स्पेशल करने वाले हैं आप लोगों के लिए। और ये जो वीडियो होगा आज वाला, ये ऑल इन वन, समझ गए? ऑल इन वन मतलब बेसिकली तो आपने थंबनेल देखा होगा, टाइटल देखा होगा, आपको लगा होगा बिहाइंड द सीन दिखाएंगे। बट ये बिहाइंड द सीन में थोड़ा सा मिक्स भी कर दिया है हमने, रिप्लाई टू सम कमेंट और स्टूडियो टूर। वही लेट्स गेट स्टार्टेड। और हाँ भाई, 1K हो चुके हैं तो उसकी हमें बहुत ही ज्यादा खुशी है। और आप लोगों का इतना ज्यादा प्यार और सपोर्ट देख के दिल खुश हो गया दोस्तों। ऐसे ही सपोर्ट करते रहो ताकि हम एक दिन 100K तक पहुंच जाए। वैसे तो 110 मिलियन 100 मिलियन तो पहुंचने का है, बट अभी तो 100K अब पहुंचा दो। वैसे इस साल का टारगेट है 4K सब्सक्राइबर्स। प्लीज दोस्तों करा देना 4000 सब्सक्राइबर्स, मतलब 4K हो जाने चाहिए, 3000 सब्सक्राइबर्स भी चाहिए। तो एक करा देना और जल्दी जल्दी भाई बिहाइंड द सीन्स आप लोगों को बता दे। और आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एक वीडियो के लिए मुझे क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए होते हैं, कैसे कैसे उनको सेट करना पड़ता है, क्या बैकग्राउंड रखना पड़ता है। तो भाई थोड़ा सा प्यार और सपोर्ट आप ही दिखा दीजिए। बेसिकली भाई सबसे पहला काम इस गेट को बंद रखना पड़ता है, क्योंकि भाई बहुत ही ज्यादा आवाज आते ही है। टीवी चल रहा हो भाई, कुकर की सीटी बजी है, तो भाई आवाज को कम करना पड़ता है, इसलिए दरवाजा बंद ही रखना पड़ता है। और भाई इक्विपमेंट बता दूं, पहला जो मैं यूज करता हूँ ट्राइपॉड है और एक माइक। जो इस पर जो माइक लगा हुआ है यह है बोया BY-M1 माइक। और ये वाला जो ट्राइपॉड है यह सिर्फ पड़ता है, ये छोटा सा ही है। एक और है पीछे बड़ा वाला जिस पर भाई नेक बैंड से लगा हुआ है, बट ये वाला जो ट्राइपॉड है ये मैंने पूरा अपना माइक स्टैंड की तरह ही यूज करता हूँ। तो ये मुझे काफ़ी सही सा भी लगता है, आराम से आवाज़ भी रिकॉर्ड अच्छी खासी कर लेता है, और जो टेबल की थप थपाहट होती है उनको भी मस्त ही रिकॉर्ड कर लेता है। और फिर जो अगली चीज़ आ जाती है, जैसे आप लोगों को दिख रहा होगा इधर से फुल रोशनी आती है, तो वो इस लाइट की वजह से। बेसिकली यार ये बहुत छोटा सा तार है जो सिर्फ इधर तक आता है, तो इसके लिए भी मुझे पूरे सेटअप से करना पड़ेगा। आपको दिखाऊं कैसा है भाई, देखिए दोस्तों पूरा हमें नीचे से ऊपर तक लाना, तो ऐसा कुछ रहता है। और भाई बैकग्राउंड जो आप देख रहे हो ना, या वाइट बोर्ड जब हमें कुछ भी एक्सटेंड करना हो डिजाइन का, तो इसका इस्तेमाल होता है। बट अभी तो नहीं हुआ। ये लाइट जो इसकी मैंने अनबॉक्सिंग की थी और मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी थी अनबॉक्सिंग भी, और इसके बारे में तो क्या ही बात है, बहुत ही ज़्यादा मस्त टेबल है। इसके ऊपर ही जो भी हमारे वीडियोस होते हैं ना, सब इस टेबल की वजह से ही बनते हैं। पता नहीं क्यों इससे क्या ही लगाव सा हो चुका है टेबल से थपाने में। और अभी भाई आप लोगों को एक और टेबल बता देता हूँ जो जिस पर मैंने अपना ट्राइपॉड रखा है यार। और ये वाला जो ट्राइपॉड है ये भी आपको पता ही रहता है कैसा है। एक तो ये वाला एक और ट्राइपॉड है जो मैं यूज करता हूँ वीडियोस के लिए, बेसिकली तो ये टेबल के ऊपर रखा है। और आप लोग सोच रहे होंगे भाई ये एक और टेबल किसका आपका, बेसिकली है ना ये टेबल भी थपने के लिए यूज होता है। बट ये अगर हम उस वाले टेबल से अगर हम कंपेयर करते हैं ना, तो ये वाला साइड भी बड़ा भी है चौड़ा भी है, तो इस पर ट्राइपॉड भी रखा। और ये था पूरा एक सेटअप जो लिटरली एक साल के अंदर इकट्ठा हुआ है। और भी हम शायद बाद में सेटअप खरीदेंगे, पता नहीं कुछ भी क्या होने जा रहे हैं फ्यूचर, बट फ्यूचर वेरी ब्राइट दोस्तों, वेरी ब्राइट। और आप लोगों का सपोर्ट अगर मिल जाए तो सुपर डुपर ब्राइट हो जाएगा दोस्तों। और अब ही बात की जाए कि मैं वीडियो कैसे बनाता हूँ। वीडियो के लिए क्या ये जो अभी सेटअप लगा रखा है मोबाइल ट्राइपॉड के ऊपर रखा है, ये माइक है, ये वाली जो इनसाइट है कभी कभी इधर होती है या कभी कभी इधर। और अभी तो मैं ट्यूबलाइट भी यूज कर लेता हूँ ताकि भाई काफ़ी अच्छी रोशनी रहती है और फेस पे मस्त सा फोकस रहता है और पीछे का बैकग्राउंड भी एकदम सही सा रहता है। और भाई आप लोगों को बता दें कि वीडियो बनाने की स्ट्रेटेजी क्या होती है। वीडियो बनाने की स्ट्रेटेजी सिंपल, पहला सबसे पहला कंटेंट ढूंढो,
कंटेंट ढूंढ जाए उसको और हल्की से और रिसर्च कर लो ताकि बेसिक और नॉलेज भी बढ़ जाए और आप वो तक जो जो इन्फॉर्मेशन होती है वो भी आप लोगों तक अच्छे से पहुंच जाए। फिर अगला काम वीडियो बना, और लिटरली मैं बताऊँ मैं वीडियो बनाता हूँ बिना स्क्रिप्टिंग के। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि भाई तुम इधर अटक गए क्या, स्क्रिप्ट भूल गए। लिटरली मैं कोई स्क्रिप्ट यूज नहीं करता, डायरेक्ट जो भी निकलता है सब दिमाग दिल आप लोगों का सपोर्ट सब एक साथ कॉपी पेस्ट हो जाता है। सपोर्ट कैसे कॉपी पेस्ट? और भाई आप लोगों को बता दूं जब मैं वीडियोस बनाता हूं ये मैं कुछ मोटिवेशन सा, अगर आप लोगों को लगे मोटिवेशन सा तो मोटिवेशन ही है, और अगर आप लोगों को लग रहा है कि भाषण समझ कर सुन लो एक बार, जब भी मेरी वीडियोस बनती है तो लिटरली मुझे ऐसा लगता है कि मैं 500 600 1000 लोगों के लिए नहीं बना रहा हूँ, 5 मिलियन या 10 मिलियन लोग पता नहीं ऐसा क्या ही रहता है, बट जब भी वीडियोस बनती है तो ऐसे ही रहता है। और जैसे ही बनती है तो फिर उसको एडिटिंग में भी एकदम सब फिक्स, क्योंकि एडिटिंग का है भाई बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कौन सा एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज कर दो, तो मैं 3 सॉफ्टवेयर वीडियो एडिटिंग यूज करता हूँ और 2 सॉफ्टवेयर नहीं 3 एक कभी कभी यूज होता है आगे तो 2 ही यार फोटो एडिटिंग बोले तो थंबनेल चाहिए। तो भाई सबसे पहला जो मैंने शुरुआत से यूज किया हुआ है वो है वीडियो मेकर 2021। मतलब अगर प्ले स्टोर पे डालूंगे वीडियो गुरु तो मेरे ख्याल से उसमें पहले ही आ जाएगा, उसका नाम चेंज सा हो चुका है, पहले वीडियो गुरु था वीडियो मेकर 2021। फिर दूसरा जो मैं वीडियो मेकर 2021 के बाद शिफ्ट हुआ हूँ वो है मोशन निंजा। आप लोगों ने बहुत सारा भाई देखा ही होगा नीचे की तरफ इधर लोगों से आ जाता है, तो भाई वही कभी जिन लोगों ने नोटिस नहीं किया तो हमको बता दूं, जिन लोगों ने नोटिस किया हम सब भाई मुझे भी पहले लिटरली काइंड मास्टर बिल्कुल थर्ड क्लास से लगता था बिल्कुल, मतलब मैंने इसको एक बार यूज किया था वीडियो एडिटिंग में और वो वीडियो जो बनाया था उसको मैंने लिटरली पूरा बन चुका था, बट जब मैंने उसको देखा तब मुझे लगा है कुछ तो कमी है क्या, मुझे समझ में नहीं आ रहा वीडियो एडिटिंग का क्या ही मामला चल रहा है, तो मैंने उसको पूरा ही डिलीट कर दिया। फिर वापस मैंने मोशन निंजा वीडियो मेकर को दोनों को मर्ज, पहले तो एक बार मोशन निंजा में उसका वीडियो मेकर 2021 के अंदर मर्ज कर बनाया पूरा वीडियो, तब जाकर एक वीडियो बना, उस वीडियो का नाम आप लोग ही बताना भाई कि आप लोग को मेरे ख्याल से बता भी दूंगा, इस वीडियो में थोड़ी बहुत कमी भी थी आप लोगों ने कमेंट भी किया मजा वो है Vivo V5 की अनबॉक्सिंग या Vivo फोन आफ्टर 4 या 5 years वो वाला भाई पूरा उसी बना था, उसमें बहुत अलग ही कमियां थी भाई, पता नहीं क्या ही हो चुका था, और उसमें कलर ग्रेडिंग भी मैंने की थी तो पता है यार मैं देखता हूँ आपके कभी वीडियोस बनाऊंगा। और जब मैं काइनमास्टर पर शिफ्ट हुआ अभी तो मुझे लिटरली भाई चुटकी में काम होता था, मतलब मैं जो मोशन निंजा और वीडियो मेकर 2021 को दोनों को यूज कर रहा था एक 10 मिनट के वीडियो को एडिट करने में उसमें लिटरली 3 से 4 घंटे लग जाते थे, बट अब काइंड मास्टर को यूज कर रहा हूँ और काइंड मास्टर भी मैं मोशन निंजा और वीडियो मेकर को भी यूज कर रहा हूँ, बट वो दोनों कम यूज होते हैं, काइंड मास्टर ने भी इतना संभाल लिया है ना मैं एडिटिंग को कि मतलब चुटकी भर में हो जाते यार, मान कर चलो 10 मिनट का वीडियो 1 घंटे के अंदर पूरा तैयार, कुछ करने की जरूरत नहीं है यार, इतना सिंपल सा हो चुका है। और अब थंबनेल मेकिंग सॉफ्टवेयर की तरफ बढ़ा जाए तो जो मैं पहला यूज करता हूँ वो है फोटो लेयर, जैसे मैं वो बैकग्राउंड को यूज कर देता है, जो मैं पहले यूज करता था अभी जो रिसेंटली है वो है फोटो लेयर, और अभी जो एक बार कभी कभी यूज कर लेता हूँ वो है कैनवा, कैनवा में भी हो जाती है काफी अच्छी खासी फोटो एडिटिंग थंबनेल एडिटिंग, और जो मेरा अभी जो चैनल का जो बैनर है ना वो भी मैंने पूरा कैनवा से डिजाइन किया है और फोटो दोनों को मर्ज कर दिया, और सबसे ज़्यादा तो मैं कैनवा को यूज़ किया हुआ है बैनर के लिए। फिर उसके बाद जो AI का काम था AI बोले तो फोटो में भाई AI बैकग्राउंड इरेज कर देता है और काफ़ी ज़्यादा
एक्यूरेट इरेज कर देता नहीं, अगर मेरे पीछे का बैकग्राउंड जैसे लाइट आ रही ना तो लाइट को भी हटा देगा जैसे। यह मुझे एकदम सही सी बात लगी है। और मैं आप लोगों को एक और चीज बता दूँ कि अगर आप अभी नए कंटेंट क्रिएटर हो तो भाई प्लीज़ एक बार फोटो एडिटर से स्टार्ट करना और वीडियो मेकर से स्टार्ट करना, वीडियो एडिटिंग के लिए वीडियो मेकर और फोटो एडिटिंग के लिए फोटो एडिटर, क्योंकि भाई ये बेसिक सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपको भाई ग्रो करने में भी मदद से करते हैं यार। और लिटरली भाई मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं काइन मास्टर को अपने जीवन में कभी भी उपयोग में लूंगा, बट अब लेना पड़ रहा है यार। अब आप लोगों के कमेंट को रिप्लाई करने का वक्त आ चुका है भाई। वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, इसलिए मैं 10 कमेंट पे करूँगा, रैंडमली करूँगा, ऐसे तो कोई ऐसा नहीं है भाई ये वाला कमेंट ही रैंडमली करूँगा। तो भाई सबसे पहला कमेंट आता है, एडिटिंग सॉफ्टवेयर कब बताऊंगे भाई, इस वीडियो में बता दिया है, देख लो पूरा वीडियो आपको पता चल जाएगा। और एक और कमेंट आता है VFX से मास्टर जी स्क्रीन भाई एडिटिंग सॉफ्टवेयर प्लीज़ बता दो, भाई प्लीज़ बता दिया है। और ये वाला जो कमेंट है ये आया है भाई Z Fold 3 वाले वीडियो पे, तो ये कहते हैं डबल रो मेक्स योर वीडियो मोर इंटरेस्टिंग, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट। फिर अगला कमेंट आता है दिस वीडियो इज लिटरली सुपर ऑसम परफेक्ट नाइन, ये भी Z Fold 3 वाले वीडियो पे आता है कमेंट। और भाई अगला है द स्कैम म्यूजिक एंड द एंट्री ऑफ दबंगी इज जस्ट डैम गुड, थैंक यू थैंक यू। और दबंगी से भी आप लोगों को लास्ट में मिलेंगे, अभी नहीं आया क्योंकि 9% मैं हूँ वो साइड में, हाँ भाई थैंक्स। और ये भी आया है Z Fold 3 वाले। फिर अगला कमेंट आता है टैग बवाल लाइक फायर लाइक थैंक यू थैंक थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। फिर अगला कमेंट आता है अभिनव गुप्ता सुपर से ऊपर, थैंक यू लॉर्ड भाई हमारे वीडियोस हमेशा सुपर से ऊपर ही होंगे। फिर अगला कमेंट आता है मनन देवपुरा नाइस एंड इंटरेस्टिंग वीडियो TM, थैंक्स अ लॉट थैंक्स अ लॉट भाई। फिर अगला कमेंट आता है गुरु को प्रणाम जिन्होंने किया है Z Fold 3 वाले वीडियो पे कमेंट, और ये कहते हैं ग्रेट एडिटिंग ग्रेट वीडियो ग्रेट बैकग्राउंड म्यूजिक ग्रेट साउंड क्वालिटी ग्रेट फोन एंड ग्रेट यूट्यूबर, थैंक्स 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 अ लॉट दोस्तों फॉर योर सपोर्ट, मजा ही आ गया। फिर अगला कमेंट आता है मनीष व्लॉग्स कमिंग सून विच कैमरा यू यूज फॉर फिल्मिंग दिस वीडियो, जितने भी वीडियोज हैं सभी वीवो के V20 मोबाइल से शूट हुआ है, इससे भाई काफी ज्यादा मस्ती फुटेज आ रही है। और भाई अगर आपका कोई सा भी फोन हो ना आपको उसमें क्वालिटी एनहांस करने के लिए भाई जो रिंग लाइट कोई सी भी लाइट हो ट्यूबलाइट हो ताकि एकदम फेस पर फोकस पड़े और बैकग्राउंड भी काफी ज्यादा मस्त दिखे, ये है भाई स्ट्रेटेजी एक वीडियो को हाई क्वालिटी वीडियो क्वालिटी में हाई पे ले जाने के लिए। फिर अगला कमेंट आता है राजेश कुमार ओ गजब क्या मस्त एडिटिंग किया है मजा आ गया वीडियो देखने में, ये भी आया है Z Fold 3 वाले वीडियो पे। फिर अगला कमेंट आता है हर्षद इतना इम्प्रूवमेंट कैसे कर लेते हो भाई, हमें इम्प्रूवमेंट करने की कला है वीडियोस। फिर अगला वाला भाई एक रैपिड फायर है मुंबई की पोएट्री विषय चैनल होगा किसी का, वो पूछ रहा है विल यू आंसर माय रैपिड फायर क्वेश्चन, चलो भाई देते हैं। एंड्रॉइड iOS भाई मैं iOS को सपोर्ट करूंगा, BGMI COD M क्योंकि भाई जब से पबजी आया था COD M ही लोग खेलते तो मुझे भी भाई COD के ग्राफिक्स बहुत ज़्यादा COD भाई BGMI भी खेला है उसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया हुआ है, खेलते हुए नहीं मतलब जब आ रहा था सब उसके ऊपर वीडियो भी बनाता, बट मुझे भी BGMI काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है, बट मुझे COD M भाई अलग ही लगा सर हो चुका है इतने टाइम से COD M ही खेल रहे थे। और डिस्प्ले कर्व डिस्प्ले वीवो ओप्पो वीवो क्योंकि वीवो के फ़ोन भाई लिटरली टिकाऊ फोन तो होते ही है वैसे तो, बट वीवो के फोन ओप्पो से मुझे स्लाइटली बेटर से लगते हैं क्योंकि भाई अभी जितने भी वीवो के फोन मतलब जो मैंने ट्राई किए हैं V5 ट्राई किया V11 भी ट्राई किया है और मतलब Y17 और वीवो V20 काफ़ी ज़्यादा मस्त है, और ये जितने भी अभी फोन यूज करूँ वीवो V20 जो नया वाला है एक साल में हुआ है उसको, बट काफ़ी ज़्यादा मस्त आपको एक अच्छा ज़्यादा एक्सपीरियंस दिखता है
बट ओप्पो में एक कमी है, मतलब उसके जो स्पेक्स होते हैं आपको तो मस्त स्पेक्स मिल जाते, बट वो थोड़े टाइम बाद ना फीके से पड़ जाते, बट वीवो में तो ओप्पो से थोड़ा और लंबे समय के बाद फीके पड़ते हैं, एकदम रिसेंटली फीके नहीं पड़ते भाई। और अगला कमेंट आता है बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया लाइन से चैनल हुआ, hey can you please tell me your editing software because I want to edit my gameplay videos, so will you tell me? जी हाँ भाई, हम आप लोगों को बता देते हैं वापस, जो मैं यूज करता हूँ काइन मास्टर, बिगनर्स के ये नहीं है काइन मास्टर, जो आपको यूज करना है ना वो है वीडियो मेकर 2021 और मोशन इंजा है, इन दोनों को अगर आप यूज करोगे ना लिटरली आपके वीडियो सुपर ऑसम बनेंगे, थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा बट भाई आप लोगों को अगर आप बिगनर्स हो भाई लिटरली काइन मास्टर में मत जाना ना, मैंने एक्सपीरियंस किया कि काइन मास्टर में भाई बिगनर्स के लिए कोई जगह ही नहीं है, लाइक प्रो लेवल एडिटिंग सॉफ्टवेयर है यार, तो उसमें आपको लिटरली थोड़ी बहुत चीजें ही समझ में आएगी, बट वीडियो मेकर 2021 और मोशन इंजन में आपको लिटरली सारी चीजें समझ में आएगी, और उसको भाई अगर आप चेंज कर जाओ काइन मास्टर जैसे, तो उसके 2 महीने बाद ही जब उन दोनों सॉफ्टवेयर को अगर आप 2 महीने तक यूज करते फिर उसके बाद ही चेंज करना। फिर अगला कमेंट आता है आर द टिपिकल गेमर, congratulations TM for completing 1k subscriber and I hope that your channel will cross 1 million one day. Thanks a lot. दोस्तों आप लोगों के इस प्यार और सपोर्ट को देख के हमारे अंदर क्या ही ऊर्जा भाई, मतलब इतनी ज्यादा हैप्पीनेस, इतनी ज्यादा मतलब एनर्जी आ जाती है ना आप लोगों के प्यार और सपोर्ट को देख के, लिटरली भाई आप लोगों का प्यार और सपोर्ट वेरी वेरी गुड। तो भाई आज का वीडियो इतना ही, मिलता आपको अगले वीडियो में, तब तक कीजिए बाय।